आप देख रहे हैं असली किसान चैनल। दोस्तों नमस्कार, आज मिलते हैं ये राम कुमार जी से। और आप अपना परिचय बताइए। मेरा नाम है राम कुमार कुशवाहा, गांव रतनापुर, ब्लॉक भरखनी और जिला हरदोई, उत्तर प्रदेश। ये मैंने देखा है आपके यहाँ ये सोलर पंप लगा हुआ है और आपका ये बंद है, वो काफ़ी दिनों से बंद है। ये फसलें आपकी सूख रही हैं, ये गन्ना अन्ना देखिए आप, ये क्या मामला है सर? मामला यह है कि ये पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत लगवाया है मैंने, और इसमें कहा जाता है कि 5 साल की गारंटी है, लेकिन ये गारंटी केवल कहने को है। ये 28 दिसंबर को लगा और लगने के बाद में लगभग एक हफ्ते चला, उसके बाद में एक काम करना बंद कर दिया। अच्छा, तो फिर उसके बाद में मैंने जो लगा गए जिनकी फर्म से आया तो उनसे संपर्क किया, तो लगभग 1.5 महीने वो हीला हवाला यही करते रहे कि आज आते हैं, कल देखते हैं, आज किसी को भेजते हैं, वो तो कुछ रही। जो इसमें टोल फ्री नंबर है उस पर मैंने कॉल किया, तो वहाँ जब कॉल गई तो उन्होंने देखा, पहले तो कहा ये टाटा ओसवाल है, ओसवाल कंपनी का है, कहीं इसमें देखिएगा, वो पार्थ कंपनी से हैं हम। फिर दोबारा में मैंने पार्थ कंपनी से कंप्लेंट की तो उन्होंने वीडियो कॉल करके यहाँ हमको देख समझा दिया कि इसमें यह है, ये होना है, ये सिटिंग है, लेकिन जब नहीं चला तब कहा कि ये प्लेट जो हैं ये गड़बड़ हैं और जो प्लेट लगा गए हैं उनसे आप संपर्क करिए। अच्छा, तो भाई कॉल किए तो वो हिला हवाला किए, उसके बाद में मैं जाकर के जिला पर जो उप कृषि निदेशक जी हैं उनको जी, अप्लीकेशन दिया, तो उन्होंने कहा, संतुष्ट किया कि हमको उसकी कापी भी एक दी, रिसीव की, लेकिन उसके बाद में भी कोई अभी इसको सुनने वाला नहीं आया। तो ये कब से बंद है? ये 11 जनवरी से बंद है और ये अब 11 जनवरी और आज तारीख है 7 मार्च, हाँ लगभग समथिंग दो 2 महीने, महीने हाँ हो 2 महीने हो गया है तो तभी ये आपकी फसलें सूख सब। रही हमारा हैं। मैंने गन्ना, आपकी उधर हमारी मटर मसूर, देखी, हमारी मटर, और हाँ ये कई सब फसलें, आपकी हमारा सूख रही हैं। आपका 200 हज़ार का नुकसान हो रहा है और तो कोई सुनने वाला इसको नहीं है। बताइए, तो ये बताओ ये किसान किस किस तरीके से दुखी हो सकता है और सुनने वाला कोई नहीं, इसका हर्जाना कौन देगा? और प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी जो कह रहे हैं कि इस योजना के अंतर्गत आप आइए, सोलर लगवाइए, बिजली बचाइए, तो हम उसमें से जुड़े, लेकिन ये सब योजना जो है वो ढाक के 3 पात दिख रही है। अब इसके कौन जिम्मेदार है, हम किसके पास जाएं इसके लिए, अब हम क्या करें, हमारे पास कोई सलूशन नहीं। और बराबर फ़ोन पे फ़ोन करते हैं, हाँ कल आते हैं, परसों आते हैं, लेकिन अभी तक कोई यहाँ नहीं आया और हम परेशान हो गए हैं। मेरा सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि जो भी व्यक्ति ये वीडियो देखे और सोलर कुसुम योजना के अंतर्गत लगवाए तो वो बहुत जानबूझ करके लगवाए और अपना ये समझ ले कि हम ये इसमें गारंटी आरंटी कुछ नहीं है, अच्छा लगाने के अच्छा बाद में अपना स्वयं देखे तो चल पाएगा और उसके भरोसे रहेगा, तो हम जैसे जैसे हम परेशान हैं, हम बर्बाद हो रहे हैं, इसी तरीके से उसको भी बर्बाद होना पड़ेगा। नहीं, गारंटी तो बता रहे हैं 5 साल की है। अब गारंटी बता तो रहे हैं लेकिन क्या गारंटी है जब कोई देखने नहीं आता, अच्छा कोई अच्छा इसको, आपके हाँ इतने का बार कॉल कोई करने के बाद जिम्मेदार व्यक्ति नहीं अधिकारी आया आज तक, अधिकारी को अप्लीकेशन देने के बाद भी कोई सुनने नहीं आया, कोई तो सुनने नहीं आप आया तो क्या हताश हो चुके गारंटी है। हैं। हताश क्या, आपकी फसलें सूख रही हैं इसलिए हताश होना भी आपका मजबूरी है। तो और पैसे, एक मुश्त पैसा जमा किया, सब कुछ लगा, उसके बाद में भी अब क्या है, अब शासन क्या कर रहा है, प्रशासन क्या कर रहा है, अब हम कहाँ जाएं, ये भी कोई तो नहीं बताता है कि आप वहाँ जाओ तो वहाँ से सलूशन होगा। आप किसान भाइयों से ये कहना चाहते हैं कि अपनी गारंटी पे लगाइए, आप कंपनी की गारंटी पे ना लगवाएं इसे। हाँ स्वयं की गारंटी, अपना सलूशन, जो अगर कोई इसमें ख़राब होता है तो उसका स्वयं देखभाल करके ही इसके लिए अपना उत्तरदायित्व निभाएं, वरना गारंटी आरंटी कुछ नहीं, हमारे जैसे परेशान होते रहेंगे। तो आप ये अब इनका इंतजार कब तक देखेंगे ऐसे अब आपकी जो क्या फसल? करें, नहीं देखें तो क्या करें, क्या अभी एक दिन बोले, आज के लिए ही बोला कि वो हम भेज देंगे, इतना टाइम हो गया अभी कोई देखने वाला नहीं आया ही नहीं, अब और होली का पर्व है, कौन आएगा, हो सकता है कि अगले हफ्ते तक ना आए। सही बात है, सही बात।
आप जैसे किसान इतने अनुभवशील और प्रगतिशील किसान, आप जैसे किसान आप परेशान हो रहे हैं तो और किसानों को क्या होगा। आप तो काफ़ी आधुनिक टेक्निक जैसे ये ड्रिप और सोलर पंप वगैरह इस्तेमाल करते हैं, पानी की बचत करते हैं। आपको तो गवर्नमेंट द्वारा पुरस्कृत करना चाहिए, और आप ये इतना बर्दाश्त कैसे कर रहे हैं और आम किसान कैसे करेगा। पचासों काल किए, कई बार हरदोई गए, सबसे मिले, सब कुछ, लेकिन आश्वासन पर आश्वासन रहा, कोई देखने नहीं आया। आज आ रहे हैं बराबर, कॉल करो, हाँ कल भाई साहब जरूर आ रहे हैं, लेकिन अब कोई नहीं आ रहा, क्या करें। अगर ये कह दे कि हम नहीं आएंगे, दो महीने नहीं आएंगे, तो हम इसका कोई सलूशन निकाल लेते अपने, जो पहले जैसे भराई करते थे जिससे, तो उस तरीके से अपने पानी जो है खेतों में लगाते, लेकिन आश्वासन के वजह से हमारी फसलें बर्बाद हुई। अगर हम ये भी कहना चाहेंगे कि अगर ये वीडियो कोई हमारा जिम्मेदार अधिकारी देखे, तो हमारे लिए कुछ इसके लिए किसी से कह करके, और हमारा ये जो नुकसान हो रहा है तो किसी को निर्देशित करे। मेरा ये प्रार्थना है देखने वालों से, और कोई अधिकारी देखता है तो उससे हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि वो हमारा कुछ सलूशन निकाले।